ट्रेवल 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ए हिल। चलो यहां पर एक मैं हिल बना देता हूं, ये हिल मतलब पहाड़ है, ठीक है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एरिया जहां बहुत अच्छे पहाड़ है, हिमाचल है, यहां से उत्तराखंड है, हिमाचल है, कश्मीर है। एक ड्राइवर है वो 30 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, इस पहाड़ में टकराएगा नहीं, तो वो ये 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा और ये यहाँ से कोलिजन करेगा, तो बेसिकली टुवर्ड ए हिल, और वो फ्रीक्वेंसी जनरेट किया और वो 600 फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दिया, बराबर है, साउंड जनरेट कर दिया। अब साउंड क्या होगा कि ये जो साउंड है वो इस हिल में जाएगा, हिल इस पहाड़ से कोलिजन करेगा साउंड वेव और वापस आके इसको सुनाई देगा। तो ये कहता है कि जब इसको सुनाई देगा, साउंड की स्पीड आपको 330 मीटर पर सेकेंड आपको ले लेना है। द फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड साउंड हियर्ड बाय द ड्राइवर, ड्राइवर जो है वो एफ डैश मान लो रिफ्लेक्शन के बाद इको के बाद सुनता है, तो उसकी कैलकुलेशन करनी है, बराबर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताया था। पहला मेथड था इमेज मेथड। अगर ये जो ड्राइवर है उसका इस पहाड़ के दूसरे साइड में इमेज बना दूंगा और ये एक सोर्स की तरह ट्रीट होगा, ऐसा लगेगा ड्राइवर को कि जो साउंड है ये यहाँ से आ रही है। तो पहले मेथड में, फर्स्ट मेथड में मैं इमेज मेथड यूज करता हूँ, इसका मैं इधर इमेज बना देता हूँ और यहाँ से साउंड आएगा और ये अब ऑब्जर्वर हो जाएगा, ड्राइवर ऑब्जर्वर हो गया, साउंड का सोर्स इधर आ गया, साउंड इधर से आएगी, स्पीड जिसकी स्पीड ऑलरेडी मेंशन है। अब अपना एक्चुअल जो फार्मूला वो लगा दो, फार्मूला क्या था, एफ डैश इक्वल टू वी माइनस वी ओ और वी माइनस वी एस और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखना ओ ऊपर रहेगा, यस नीचे रहेगा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा भूल जाए, आपको बस ये के ही फार्मूला याद रखना डॉपलर इफेक्ट के लिए जब तक मीडियम रेस्ट में है। चलो अब इसमें वैल्यू डालो, वैल्यू कैसे डालोगे, डायरेक्ट डाल दो, हमको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड पॉजिटिव ले लेते हैं, तो साउंड इधर से आएगी तभी तो ये सुनेगा, तो मैं इधर पॉजिटिव ले लिया तो ये आ जाएगा 330 और माइनस ऑब्जर्वर, अब ये आ गया और ऑब्जर्वर इधर जा रहा साउंड के अपोजिट, तो ये माइनस एक पहले से था प्लस 30 आ जाएगा, बराबर है। अब 330 और माइनस साइड सोर्स इधर आ रहा है तो वो साउंड की डायरेक्शन में जा रहा तो पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस 30 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 600। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, इसको एक लाइन में बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको काट कुट लेना, तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 600 एंड डिवाइडेड बाई 300, तो इसको फाइनली कैलकुलेट करने के बाद बी ऑप्शन देखो इसका सही है, तो 720 आ रहा है, 720 एक जीरो ने, दो जीरो ने जो जीरो को और ये टू, तो 36 × 72 ये 720 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगा, दैट इज बी ऑप्शन सही है, बराबर है। नहीं तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हो तो आप इसको दो स्टेप में कर सकते हो, दो स्टेप में, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं वो भी मेथड से, सेकेंड मेथड। चलो यहां से ड्राइवर आ रहा था, ये पहाड़ था और यहां से 330 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, साउंड जनरेट कर दिया 330 से और फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज। दो स्टेप में करो, पहले इसने साउंड जनरेट किया तो ये हो गया सोर्स, उसके बाद ये जो हिल है वो रिसीव करिया तो ये हो गया ऑब्जर्वर, ये कितना रिसीव किया फ्रीक्वेंसी एफ डैश, पहला स्टेप पूरा हो गया, हमने एफ डैश निकाला। दूसरे स्टेप में जब ये इको सुनेगा, पहले स्टेप में साउंड ऐसे गया, दूसरे स्टेप में साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो ये जो ऑब्जर्वर था पहले स्टेप में ये खुद सोर्स बन जाएगा और जो ड्राइवर है वो रिसीव कर रहा है तो वो ऑब्जर्वर बन जाएगा। इसने अब ड्राइवर एफ डबल डैश रिसीव किया और एफ डबल डैश हमें निकालना, तो ये दो स्टेप सोल्यूशन हुआ जो ये वाला मेथड अगर नहीं लगाओगे तो उससे भी, इससे भी आसान क्वेश्चन सेम आएगा।
तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी माइनस वी ओ एंड वी माइनस वी एस और मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो वी 330 माइनस, इधर साउंड इधर जा रही है फर्स्ट स्टेप में, इधर मैं पॉजिटिव ले लिया हूं, तो ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में ही है यार, और भी 330 और माइनस साइन सोर्स, सोर्स इधर जा रहा है तो ये माइनस वो प्लस ही हो जाएगा माइनस, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 600, ये ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द वैल्यू एफ डैश, ढंग से थोड़ा और लिख लो, 330 मल्टीप्लाइड बाई 600 एंड डिवाइडेड बाई 300, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ए एफ डैश है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब जो एफ डैश है वापस इधर से आएगा और इसको रिसीव करेगा, मतलब ये जो हिल था वो सोर्स हो गया और ये रिसीव किया ऑब्जर्वर एफ डबल डैश, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस बी ओ बी माइनस बी एस और मल्टीप्लाइड बाई एफ सिंगल डैश एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो साउंड अब इधर से आ रही है, साउंड की स्पीड कितनी है देखो 330, और मैं क्या किया हूँ इधर मैं पॉजिटिव ले लूंगा, तो अगर मैं इधर पॉजिटिव ले लिया तो सोर्स ऑब्जर्वर कौन सा है, ऑब्जर्वर ये है इस टाइप, और ये इसके अपोजिट जा रहा है, तो इसके अब माइनस साइन पहले से और साउंड के अपोजिट है, साउंड उधर से आ रही है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो ये आ जाएगा प्लस 30 और डिवाइडेड बाई 330 और सोर्स इस टाइम यही बन गया है जीरो और मल्टीप्लाइड बाई ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 330 मल्टीप्लाइड बाई 600 एंड डिवाइडेड बाई 300। तो ये तो फाइनली सोल्यूशन यही है, देख लेते हैं इसको, 330 ने 330 को ख़त्म कर दिया और ये आ जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई 600 डिवाइडेड बाई 300, तो दो जीरो ने दो जीरो पे कट दिया, 3 × 6 = 36 × 72 हॉर्स, द सेम प्रॉब्लम एंड द सेम क्वेश्चन, मेथड इज डिफरेंट। तो आपको डिसाइड करना कि कौन से मेथड्स के साथ ऐसे प्रॉब्लम को करोगे, क्योंकि बहुत बार नीट में पूछा गया है, मेरा आपके लिए सजेशन ये है कि इस मेथड से करो, एक सिंगल स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। एक वेव है स्ट्रिंग एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बताया जा रहा है, स्पीड 128 मीटर पर सेकेंड है इट, और 5 कंप्लीट वेव है 4 मीटर लेंथ में, समझना 4 मीटर का जो लेंथ है उसमें 5 कंप्लीट वेव आ जाती है। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द वेव, मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या है, उस जो इक्वेशन निकालना है वेव का, तो ये देखो अगर एक वेव है इस टाइप से, एक वेव दो वेव तीन वेव चार वेव और ये आ गया 5 वेव, इस तरह से 5 कंप्लीट वेव आ गई, ये एक वेव दो वेव तीन वेव चार वेव 5 वेव, तो 5 वेव कंप्लीटेड, ये जो लेंथ है वो 4 मीटर है एंड दैट इज 5 वेव्स आ गई। हम सबको पता है कि ये जो होती है एक वेव की जो लेंथ होती है वो होती है लैम्डा वेव लेंथ, बराबर है, तो जो लैम्डा है जो वेव लेंथ है दैट इज 4/5 मतलब 0.8 मीटर, दैट इज द वेव लेंथ, यहाँ से हमें लैम्डा पता चल गया वेव का। अब जब हमें लैम्डा पता चल गया तो वेव ट्रेवलिंग अराउंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेव की स्पीड भी दी हुई है 128 मीटर पर सेकेंड, दो दिया हुआ उसको छापो, जो पहले दिया हुआ उसको छापते हैं, एम्पलीट्यूड ए है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, 10^-2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 मीटर। चलो अब सारी चीज़ें तो पता ही चल गई, अब हमें जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो जनरल